चलाऊं कैसे? अबे तो बर्फ ही बन गया। सभी को चिढ़ाता हूँ। रेडी, तीसरा आदेश, सब तैयार है? हाँ, रेडी। ओए कोमल, देखना तो इसको बोल क्यों नहीं रही? कब से देखना, टीवी देख रहा है, हमें देखने ही नहीं दे रहा। अरे मैं क्या बोलूँ यार इसको? यार बोलना, घर तेरा, रिमोट तेरा, बेड तेरा, और यह कैसे जमा रहा है, बोलना। ये तो तू सही कह रहा मिलन, सारी चीजें मेरी और हक ये जमाए, ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या है ये, क्या लगा रखा है तूने? हमें नहीं देखना ये वाला कार्टून। हैं? नहीं देखना भाई, इतना बढ़िया कार्टून है डोरेमोन, देखो यार। देख डोरेमोन ना तुझे पसंद है, हमें नहीं पसंद, जो हमें पसंद है हमें वो देखने दे। ला रिमोट दे। मैंने दे रहा। हाँ, कोमल इसने तुझे मना कर दिया। कोमल ये तेरा घर है, ये तेरा कमरा है, ये तेरा टीवी है, ये तेरा रिमोट है, ये तेरा बेड है, और बॉस बनेगा ये? ओ माँ, नहीं ये बॉस नहीं बनेगा। तो तू इसको कुछ बोल क्यों नहीं भी? अब मैं ऐसा छोड़ूंगी नहीं, इसका मन पसंदीदा कार्टून नहीं चलेगा। ये मेरा घर है, मेरा टीवी है, मेरा रिमोट है, अटिक रहो। अरे यार क्या हो गया तुझे? एक बारे में समझ नहीं आ रहा मैंने क्या बोला? मेरा टीवी का रिमोट मेरे हाथ में वापस दे दे। हमें अपना मन पसंदीदा कार्टून देखना, मतलब वही देखना है, हमें तेरा मन पसंदीदा कार्टून नहीं देखना, हम नहीं देखेंगे। अरे कह दिया ना मैंने, नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, देख रहे थे। ओए कोमल, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, कुछ दिमाग चला ये लगता है ऐसे नहीं मानेगा। रुक जा रुक जा रुक जा कोमलेट, रुक जा। वैसे कोमल, अगर मैं होता ना दीकरो की जगह, तो दूसरे घर में आके टीवी नहीं देखता, क्यों कोमल? हाँ मिलन, तू ना बिल्कुल सही कह रहा है, बट इसमें ना इसकी भी गलती नहीं है। आई मीन देखो, एक होते हैं बेशरम, दूसरे होते हैं बेशरम अल्ट्रा प्रो मैक्स, और फिर तीसरे जिनका नाम होता है दीकरो, है ना? तो ये तो वही है ना। अब इसके घर में क्या पता टीवी हो ना हो, जो यहाँ पे ये बेशर्मों की तरह दूसरों के घर में अपना मन पसंदीदा कार्टून चला के बैठा हुआ है। आई मीन कोई भी इतनी सुनता ना अभी तक तो अपने घर चला जाता, बट ये यहाँ बैठा हुआ है, कुछ तो बात होगी, क्यों कोमल? हाँ सही बोल रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ना डीकरो के घर में ना टीवी नहीं है। यार मेरे को कोई ऐसा बोलता ना, मेरा तो दिल बेचारा पिघल ही जाता कि यार ऐसे कैसे किसी ने बोल दिया। मैं ना सहती बिल्कुल भी, 1% भी नहीं, जैसे कोई सहरा है यहाँ पे। यार तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम तीनों मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? अरे पागल है क्या, तेरी बेइज्जती थोड़ी ना कर रहे, तेरी तो तारीफ कर रहे हैं। यार एक बात बता, जब तेरा घर नहीं है तो तू अपना हक क्यों जमा रहा है? जब तेरा बेड नहीं है तो तू उस पे बैठ क्यों रहा है? जब तेरा टीवी नहीं है तो तू देख क्यों रहा है? मैं होता ना तो मैं नहीं करता ऐसा। अरे क्या दिक्कत होगी, मैं टीवी देख रहा हूँ तो? अरे मेरे दोस्त का घर है, दोस्त घर पे आऊँ, बैठू, खाऊं, पीऊँ, टीवी देखूँ तो क्या हो गया? अगर दोस्त दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा दुश्मन? तू ऐसे मदद कर रहा है, अपना कार्टून लगा के, अपने ड्रामे देख के, हमारा भी कुछ मन करता है देखने का, हमें भी देखने दे। तो क्या हो गया, डोरेमोन तो देख लो यार, बढ़िया कार्टून है। तोवा, कितना झूठ बोल रहा, थोड़ी देर, एक घंटे से टीवी देख रहा है डोरेमोन डोरेमोन डोरेमोन, हमें शिनचैन देखना, वो तो देखने नहीं दे रहा। तुझे एक बारी में समझ नहीं आ रहा, हमें नहीं देखना डोरेमोन, हमें शिनचैन देखना है, और ये मेरा टीवी है, मेरा रिमोट है, तो मेरी मनमर्जी चलनी चाहिए ना। मैं जो कार्टून देखना चाहती हूँ वही तो देखूंगी। अरे नहीं नहीं कोमल, इसको बोल के कोई फायदा नहीं है, देखने दे बेचारे को, शायद इसके घर में ना टीवी नहीं है इतना बड़ा तेरा वाला। ओ टीवी है मेरे घर पे। अरे यार टीवी तो फिर भी ले लिया होगा, बिजली नहीं होगी, बिजली का बिल नहीं भरा होगा ना। अरे महारानी, बिजली का बिल भी भरा हुआ हमने। हाँ तो शायद एसी नहीं होगा, कोमल के घर में एसी है ना, इसलिए आ गया है यहाँ पे। एसी भी है यार, डिश टीवी नहीं होगा। हाँ यही बात है एग्जैक्ट। अरे यार कोमल स्क्वायर मिलन, कैसी बात कर रहे यार, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। हम दोस्तों को तेरे साथ टाइम स्पेंड करने का कोई शौक नहीं है, तू जा सकता है यहाँ से, हम अकेले टीवी देख लेंगे, क्यों मिलन? हाँ सही कह रही है कोमल। देखो बताओ बताओ, कोई बात है ये बताओ। नहीं भाई मैं ना सहती, इतना कोई मुझे बोल देता ना मैं बिल्कुल नहीं सहती यार, मैं तो अपने घर जाके ना कमरा बंद करके चुपचाप बैठ जाती। अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? यस। अबे तुम दोनों ये बोल रहे हो, उसका घर है उसको बोलने दो। कमल तू बोल।
यस 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 सुन लिया कोमल के मुंह से। ठीक है मैं जा रहा हूँ। ले रिमोट ले ले। ओए तमीज से जा। मैं सच में चले जाऊंगा। हाँ जा। जाना। मैं सच में चला जाऊंगा। अरे जाना। मैं सच में चला जाऊंगा। जाएगा नहीं जाएगा। दरवाजा बंद कर। अरे वो सब छोड़। फिन चलने का फिंचर। हाँ जस्ट 609 पे आता है। हाँ। 609 क्या दिक्कत है इन दोनों कोमल मिलन को। अच्छा खासा डोरेमोन नाटक देख रहा था मैं, काम का निकाल दिया। मेरा टीवी है, मेरा पलंग है, मेरा ये है, मेरा वो है। अरे तो क्या होगा, दोस्त ही तो है मेरे। एक काम करता हूँ, बस जाता हूँ अपने घर पे और अपने घर पे जाके देखूंगा टीवी, मजा आ जाएगा। अबे कौन था ये पागला बच्चा, अबे अंधा बंदा है क्या? हाँ नहीं, कैसे कैसे लोग रहते दुनिया में, इतनी तेज गाड़ी चला रहा है। मजा अपने घर पे और देखते हैं अपना डोरेमोन। अरे ओ लॉर्ड साहब, कहाँ से आ रहा है? अरे मम्मी वो मैं बाहर दोस्तों साथ खेल के आ रहा हूँ। बहुत हो गया घूमना फिरना, चुपचाप जाके पढ़ाई कर ले। क्या पढ़ाई कर ले? अरे मम्मी सटिया गए हो क्या, पढ़ाई क्यों करूं मैं? अभी 4 दिन पहले मेरे पेपर खत्म हुए और आप कह रहे पढ़ाई कर लूं। अरे कोई बात होती है कहने की है? हाँ हाँ, जैसे तू पेपर दे के आया ना, मुझे सब पता है। 100% तू पक्का मैथ में फेल होगा, पढ़ाई कर ले मैथ की। अरे आपको कैसे पता मैं मैथ्स के पेपर में फेल होऊंगा, जब पेपर मैंने दिया है मेरे को पता ना। और मैथ्स का पेपर तो मेरा बहुत बढ़िया गया था, पूरे पूरे 33 नंबर तो आ जाएंगे। अच्छा हाँ, मैं की पढ़ू अभी? अभी बताऊं बढ़िया गया, चुपचाप जाके पढ़ाई कर ले। आप थोड़ा शांत रहो यार। हाँ हाँ बेटा, शांत भी मैं जब तक बैठी हूँ जब तक तेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। और जिस दिन तेरा रिजल्ट आ गया और तू फेल हो गया, फिर देख ये झाड़ू ना तेरे ऐसी जगह मारूंगी, ऐसी जगह मारूंगी कि लैट्रिन करने जाएगा ना जब भी करेगा आई मम्मी उई मम्मी। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, जब रिजल्ट आएगा ना तो आप देख लेना, आप भी कहोगे वाह क्या छक्के छुड़ाए मेरे बेटे ने। ठीक है मम्मी, चलता हूँ मैं, बाय। सुन हाँ, मुझे खाना बनाना है, जाके मार्केट से सब्जी लेके आ। अरे वो तो पापा लेके आएंगे ना रात में, मैं क्यों लेके आऊँ? वो रात को लेके आएंगे, पर मुझे तो अभी बनानी है ना, अभी लेके आ। अरे मम्मी बाहर बहुत तेज धूप है यार, वो गर्मी आ चुकी है, बाद में ले आऊंगा मैं। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक जा। जा रहा हूँ जा रहा हूँ। निकम्मी औलाद बिल्कुल, एक काम करके नहीं देती मेरा। अरे यार कितनी तेज धूप हो गई यार, इतनी गर्मी में कौन बाहर निकलता है, फालतू में मम्मी ने भेज दिया। हाय 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 हाय, गर्मी ये गर्मी। अरे अभी से गर्मी क्यों आ गई यार, थोड़ी सी ले रहा तो गिर जाता, क्या गिरता है ओ। अबे अबे तो वही काली स्कॉर्पियो वाला बंदा है। अबे यार ये क्या चाहता है मेरे से, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? एक काम करता हूँ, इसका मैं पीछा करता हूँ और देखता हूँ जाता कहाँ पे और इसमें है कौन। बस कर भाई, इतना दौड़ाएगा। ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, वो भी इस पुराने से मकान में। ना मैं बुल्ला करता हूँ कुल्ला। चलो रे। मेरी। अरे बॉस वो तो आप भूल गए। ओ भूल गया, कहाँ भूल गया? बॉस वो तो लैटरिंग में भूल गए। ओ लैटरिंग में भूल गया, सॉरी सॉरी। क्या बातें कर रहे हैं,
एक काम कर, असिस्टेंट को फोन कर और नई पूमा की चप्पल मंगा जल्दी से जल्दी। ओके बॉस। हेलो, 4 नंबर पूमा की चप्पल बॉस के लिए। डन। चलो। अबे ये तो अंदर जा रहे हैं। छोटा डोन मैं, दो लफ्जों का छोटा नाम, आतंक की दुनिया में बस यही आपुंच का काम। छोटा डोन, छोटा डोन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो बहुत ही खतरनाक है, टीवी में देखा था मैंने। लेकिन बॉस इस बॉक्स में क्या है? इसमें इसमें है फ्रीज गन। फ्रीज गन? अरे इससे होता क्या है? वो क्या होता बॉस? बेटे जिस पे भी मारूंगा ना वो बर्फ की तरह जम जाएगा। फ्रीज गन ये क्या होता है? हे पागल, इसको समझा नहीं तो मैं इसको अभी मार दूंगा। ए, बॉस कह रहे हैं ये बंदूक चला दी ना वो बंदा जम जाएगा। जम जाएगा? लेकिन भाई इससे अपना क्या फायदा? क्या बात कर रहा है, बंदे को जमा देगा? यार अगर ये गन मेरे हाथ लगे ना तो अपने सारे दोस्तों से बदला ले सकता हूँ मैं। हाँ यूज पता है तुझे? नहीं। देख बैंक में जाएंगे, वहाँ के वर्कर लोगों को फ्रीज करके पूरा बैंक लूट लेंगे ना। सही कह रहे हो बॉस, फिर तो पैसा पैसा हो जाएगा अपने पास। हाँ तो इससे खिलवाड़ नहीं, छोटे बच्चे नहीं चलाते इसे, अभी रख देता हूँ सेफ। और किसी ने भी हाथ लगाया ना तो उसे फ्रीज करके समुंदर में फेंक दूंगा, तैर भी नहीं पाएगा। यस बॉस। अभी मैं इधर छुपा के जा रहा हूँ अगली मीटिंग में। चलो चलो। जा रहे हैं, एक काम करता हूँ, गन ले लेता हूँ। फ्रीज गन। भाग गया ये? लटका बॉस गया। शिट शिट शिट, ये तो हाथ से निकल गया। चलो एक काम करो, उधर चलते हैं। चलो ए, तुम लोग आगे ढूंढो, थक गया मैं थोड़ा, जाओ। थक गया, पता नहीं कहाँ भाग गया ये। लगता है चला गया। हाँ चला गया। ओए जल्दी आओ इधर। हे भगवान, बच गया मैं। चलो फाइनली गुंडे से छुटकारा था झूठा, और मेरे हाथ में लग गई है फ्रीज गन। अरे वाह, अब अपने सारे दोस्तों को ऐसा मजा सिखाऊंगा ना, उनको उनकी नानी याद दिला दूंगा। पर ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले करूँ किस में? कौन है आसपास? चेक तो करना पड़ेगा ना, इसी में ट्राई करता हूँ, काम करता हूँ पहले। ओ, अबे तो बर्फ ही बन गया, अभी मजे लेता हूँ। अरे वाह 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 यार, ये तो पूरी बर्फ की सिल्ली बन गया, देखने में कितना मजा आ रहा है मेरे को तो। अरे 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 वाह 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 वाह, क्या बात है। एक काम करता हूँ, इसको इस खंभे में दे मारता हूँ, मजा आएगा। करेंगे।
ओए यहाँ कैसे आया मैं? कौन है ये? यार कोमल, आज तो तेरे घर पे टीवी देख के बहुत ही मजा आ गया। तो मैं तो तुम लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि तुम्हें जब भी टीवी देखने का मन हो ना तो मेरे घर आ जाया करो, आराम से ना एसी में बैठ के आराम से टीवी देखा करेंगे, वो भी अपना मन पसंदीदा कार्टून। नहीं यार कोमल, तू कह तो सही रही है, लेकिन आज ना अपना प्लान ना डीकरो के चक्कर में खराब हो गया, पूरा मजा ना किरकिरा कर दिया था उसने। अरे यार तू क्यों इतनी खुशी की बात पे डीकरो का नाम ले रहा है? मत ले यार, कितना मजा आया हमने शिनचैन देखा, फिर डिज्नी में कार्टून देखे, पूरे दिन ऐश ऐश हो गई। हाँ यार कह तो तू सही रही है कोमल यार, लेकिन ये सोचने के चक्कर में ना मैं एक चीज भूल रहा हूँ यार, मम्मी ने ना मुझे मार्केट से ब्रेड लाने को भेजा था, अगर वो लेके नहीं गया ना तो मम्मी मेरी कुटाई कर देगी यार, मेरे को जाना पड़ेगा। ओफो, मुझे तो अब याद आया कि मम्मी ने बोलता उनके साथ मार्केट जाने, तो ऐसा करते हैं मैं भी मार्केट जाती हूँ फिर आके मिल लेंगे। हाँ मैं भी एक काम करता हूँ, ब्रेड दे के फिर मिल लूंगा। अच्छा ठीक है, तुम लोग अपने घर चले जाओ और घर जाके जो भी काम है ना उसे फटाफट से कम्प्लीट कर लो, उसके बाद शाम को पार्क में मिलेंगे। हाँ सही कह रही है ये। हाँ, चलो बाय, वापिस आऊंगी फिर मिलूंगी। एक किलो आलू, एक किलो गोभी, एक किलो भिंडी, एक किलो। हो, मिलन बाबू यहाँ क्या कर रहा है तू? अबे डिक्रो भिखारी तू? मिलन भिखारी किसके बोल रहे हैं, साले ही जमा दूंगा। अबे क्या बर्फ मैन है क्या जो जमा देगा? और तू बोल रहा है साले ही उड़ा दूंगा। अबे क्या रॉकेट है क्या उड़ा देगा? अबे ओ मेरे से पंगा मत ले, तेरे को यही बजा दूंगा। अबे ढोलक हूँ क्या यही बजा देगा? क्या बोल रहा है यार तू? तू पहले ये बता, तूने मेरे को टीवी देखने से मना क्यों करा? अबे ओए एक घंटे टीवी देख रहा है, हमें देखने नहीं दे रहा तो हम बोलेंगे नहीं क्या? हम भी तो देखने आए थे टीवी। तो क्या हो गया, मैं टीवी देख रहा था एक घंटे तक, तो मेरा मन कर रहा था देख रहा था मैं, तो तुम्हें क्या और था, तुम क्यों बोल रहे थे, भगाया क्यों मेरे को वहां से? अबे क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा तू? है भी तेरे पास भिखारी कहीं का? क्या कर लूंगा बेटे, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा, अब देख मैं क्या कर क्यों बे, अब आया मजा? अब बोल, बड़ा बोल रहा था भिखारी, ये भिखारी हो कर दिया ना फ्रीज, मेरे से लेगा जो पंगा कर दूंगा नंगा 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 नंगा। अपने आप को देख, देख रहा हूँ तूने मेरे कपड़े का भेद दिया, अब मुझे नंगा क्यों कर दिया? कपड़े गए तेरे? यार मेरे कपड़े कहाँ गए? चल जाके मम्मी मारेगी, भाग जाते हैं। बहुत थक गए बॉस, मुझे तो लगता है आपकी गन गई, तुम दोनों की वजह से ही गई है, ध्यान नहीं रखा मेरी गन का और थक गया हूँ मैं, एक काम करते हैं गाड़ी से ढूंढते हैं। यस बॉस, इधर आओ मुझे ले चलो, मैंने चप्पल नहीं पहना। चलो शिट यार, आज मम्मी मार मार के भूत बना देगी, कार्टून देखने के चक्कर में तो यही भूल गई कि मार्केट जाना है मम्मी के साथ, बहुत पिटूंगी। लेकिन कार्टून देख के तो मजा आया था यार, लेकिन घर जाके देखना पड़ेगा कि कहीं मम्मी अकेले मार्केट तो नहीं चलेगी, अगर अकेले गई होंगी तो फिर बहुत मारेंगी। और भाई कोमल क्या हालत रे, तू क्या आ गया मेरे भिखारी सा? अरे यार तुम सारे मेरे को भिखारी की बोल रहे हो, मैं भिखारी कहाँ से लगा रहा हूँ? देखियो ऊंची की मैंने शूज पहन रखे है, जींस पहन रखी है, शर्ट पहन रखी है, भिखारी कहाँ से लगा रहा हूँ मैं? ऊंची नहीं होता है मिस्टर, गूची होता है, आपको नहीं पता तो, और तुम भिखारी थे, भिखारी हो और भिखारी रहोगे। अरे ऊंची है गूची हो ठीक है, पर भिखारी कहाँ से लगा रहा हूँ मैं? अच्छा तुम ये बताओ, तुमने मेरे को टीवी देखने से मना कर दिया, अच्छा भला टीवी देख रहा था ना मैं? तुझे आज अलाउ नहीं करा, कल भी अलाउ नहीं करेंगे, परसों भी नहीं करेंगे, क्या कर लेगा तू ये बता? अच्छा बेटे तो मेरे को टीवी देखने से मना करोगे ना, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। जान आवे भिखारी, मेरे को क्या सबक सिखाएगा? होली की पिचकारी गीला करेगा, कर रहे यार जा जा, तेरे से डरती थोड़ी बेटे, भरी दोपहरी और गर्मी है, दो मिनट में सूख जाऊंगी। बेटा होली की पिचकारी नहीं है समझी? जान आ, तेरे से कौन डरता है? अब बोल बोल ना, अब चांद क्यों हो गई? बड़ी बोल रही थी होली की पिचकारी ये हुआ,
बेटा ऐसी वैसी गन नहीं है, ये है फ्रीज गन, बंदे को पूरा फ्रीज कर देगी एक बारी में। वो बड़ा बोल रही थी ना मेरे को भिखारी है ये वो है। अब देख बेटा मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, अब देख ऐसा रंगारंग कार्यक्रम कर दूंगा ना, तू भी याद रखेगी मेरे को। हाँ भाई कमल है, ये आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? अरे वो होली का होगा ना पानी, होली का। ओ अच्छा, पानी चला दिया होगा। पर वैसे पता कोमल, तू ना बहुत खूबसूरत है। Yeah, baby. अरे बस चेक तो कर फोन में अपने। मेरे को पता है मैं सुंदर हूँ, मेरे को देखने के ना वैलिडेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। देखे मत यार, एक बार अपनी खूबसूरती चेक तो कर फोन में एक बार। कितने फैंस है मेरे आजकल यहाँ पे। आज तो ना मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, जब पार्क में जाके सबके आगे खेलूंगी ना तो देखना सारे मेरी तारीफ करेंगे कि हमारे पार्क में हमारी सोसाइटी में इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आ गई। और भाई कमल है, क्या हाल है तेरे? तू वे डीक्रो के बच्चे, तू मेरे घर पे क्या करने आया? फिर से फ्री का टीवी देखने आया? अबे ओ, मैं कोई टीवी भी देखने नहीं आया, मैं तेरे से बदला लेने आया हूँ टीवी का। बदला? वो कैसे? वो भी पता किससे? इससे। देख डिग्रो, तू ना मेरी बात ध्यान से सुन, ये जो ये गन है ना, ये ना होली पे यूज होती है, होली तो बीत गई तो इसका काम अभी कुछ भी नहीं है, तू एक काम कर अपने घर जा, चल। अबे ओ, ये कोई ऐसी वैसी गन नहीं है, अभी बताता हूँ ये क्या चीज है। बन गई ना पूरी बर्फ। अब देख बेटा, तेरे रूम का मैं ऐसा हाल करूंगा कि याद रखेगी मुझको। कमल बाय बाय। शिट, इतनी देर होगी धूप में घूमते गन नहीं मिलने को राजी, गन ढूंढो यार। बॉस मुझे लगता है वो गन अपने हाथ से गई। कैसे गई? है पागल हो गया तुम लोग? पता है कितनी महंगी गन है? कितनी महंगी? कितनी? पूरे 25 लाख रुपए की EMI पे निकलवाई थी मैंने। हाँ मुझे नहीं पता, प्लीज उसे ढूंढो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ ना, मेरी बात मानो ना। अरे क्या करे, कुछ तो बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे बॉस आप बताओ ना हम करें क्या, करना क्या है? बस एक सिंपल सा रास्ता, तू इस रास्ते पे जा और तू इस रास्ते पे जा, मैं सीधे वाले रास्ते पे जा रहा हूँ, ठीक है? ओके जाओ। लेकिन मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है, पता है क्या किया उसने मेरे साथ? क्या किया? बोल के भी बुरा लग रहा है, तुम फ्लैशबैक में देखो। क्योंकि हमने उसकी इंसल्ट करी थी।
दीकरों के बच्चे को ना अब हम तीनों छोड़ेंगे नहीं। सही बोल रहे, उससे तो ना। अरे हाँ। चल 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 चल। हे भगवान, कहाँ गया ये दीकरो? थक गई इसे ढूंढते ढूंढते। आज तो ना इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहाँ है ये दीकरो का बच्चा? आज तो इसको मार मार के भूत बना दूंगी। शेर! ये डीकरों का बच्चा इस बारूद में भी नहीं छुपाऊंगा। तो ये कहाँ मिलेगा? हाँ, उस पत्थर के पीछे मिलेगा। वहाँ ढूंढता हूँ इसे। शिट शिट शिट! अभी तक गन नहीं मिली। अगर ये गन नहीं मिली ना तो आपदा आ जाएगी, आपदा। मुझे तो डर लग रहा है किसी गलत हाथों में ना फंस जाए, वरना वो उसका पता नहीं कैसे कैसे यूज करेगा, क्या गलत यूज करेगा यार। बॉस, पूरे शहर में ढूंढ लिया पर वो बंदूक नहीं मिली। नहीं मिली बॉस? नहीं मिली? नहीं, नहीं। ते यार क्या होगा, मुझे तो डर लग रहा है सोच के ही। बॉस, हाँ? ये तो आपकी फ्रीज गन है ना, इस लड़के के पास। हाँ, ये तो वही गन है। फॉलो, पकड़ो उसे। मिला तुम्हें डीकरो? मिला? नहीं, मुझे नहीं मिला, मेरी सांस फूल गई। ढूंढते ढूंढते बहुत ढूंढो उसको यार, पता नहीं कैसा कोई तिनका है क्या वो जो किसी बिल में घुस गया। पता नहीं यार, देखना आसपास ही होगा। आसपास ही होगा? नहीं, आसपास ही है वो। देखो गाइस, दिखरो दिखरो दिखरो। अरे भाई, आप तो पहले आ गया, कितना खा लिया पहले मिलन को, कॉम्रेड को, फिर कोमल को, और वो पागल दुकान वाले को भी। अब देखता हूँ इससे क्या करता हूँ। अरे तुम तीनों यहाँ पे क्या चाहिए तुम तीनों को? ये इड़े, मेरे को पागल समझा क्या? जो तेरे पास बंदूक है ना वो मेरे को दे। क्या दे? बंदूक। हाँ चल जल्दी दे। मेरे पास कोई गन नहीं है। ये येड़े, तेरे को पता है ना तेरे पास बंदूक मिलेगी तो तेरे को क्या सजा मिलेगी? मैं तेरे को अभी माफ कर दूंगा अगर मेरे को गन दे दे। मेरे पास कोई गन नहीं है। वॉइस चेकिंग। मैं कह रहा हूँ गन नहीं है मेरे पास गन नहीं है। पीछे वाली जेब में निकाल लो। ये मेरी गन, इधर आओ जल्दी। ये मेरी नहीं है, मेरी नहीं है ये, तो मेरे को पीछे पड़ी हुई मिली थी। ये तेरे को पता है, मालूम है कितने रुपए की गन है? 25-30 रुपए की होगी। और कितने की होगी? प्लास्टिक वाली तो है, होली वाली। इसको मैं ठोक दूंगा रे, मैं ठोक दूंगा, दिमाग खराब हुआ था मेरा। 25-30 रुपए की? ये पूरे 25 लाख रुपए की गन है, दुबई से इम्पोर्ट होके आई है ये। इसको लगता है नजारा दिखाना पड़ेगा, इसको प्रीज करना पड़ेगा। मान गया आसानी से। चल निकल, मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसे, ठीक है? हाँ चल निकल, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे मिलन, कोमल, अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम बदला लेने आए हैं, बता मिलन। हाँ, जो तूने हम तीनों के साथ किया ना बेटा, हम भी अब तेरे साथ वही करेंगे। अब तू हमारे हाथों से गया बच्चू। भाई गलती होगी, सॉरी, माफ कर दो मेरे को यार। मार मार के तेरे को भूत बना दूंगी आज। ए, मेरे को लगता है ये इसकी गैंग के बंदे हैं, अपन लोगों को रपेट ना दे इसलिए निकल लेते अपन लोग। नहीं, 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 नहीं।